लगभग 70-80 दिनों से देश का अन्नदाता किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर वह दिल्ली की इस कड़ाके की ठंड में आंदोलित है। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश के करोड़ों लोगों की भावना किसानों की मांगों के साथ जुड़ी हुई है। फिर भी केंद्र की मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ये कानून वापस लेने के लिए टस से मस्तक नहीं हो रही। क्या कारण होगा, आइए इसका कारण ढूंढते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य मनुवादी पार्टियां अपने शासन को चलाने के लिए और इलेक्शन के दौरान पैसा वो जो पानी की तरह बहाती हैं, तो ये पैसा वो अपने वर्कर से इकट्ठा नहीं करती हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों से आता है। और ये भाषण है देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का। वो अपने भाषण में कह रही है कि इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी पानी की तरह पैसा बहाती है। ये पैसा उनके पास कहां से आता है? उनको पैसा देता है इस देश का पूंजीपति अदानी अंबानी। और बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर ये पार्टी अपने संगठन को चलाती है और इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाती है और उसके बाद फिर ये केंद्र और राज्यों में सत्ता में आ जाती है। जब ये वो आगे कहती है, अदानी अंबानी के पैसों से कांग्रेस और भाजपा सत्ता में आकर गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए आर्थिक नीतियां एवं कानून न बनाते हुए पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों के लिए कानून एवं आर्थिक नीतियां बनाती है और सरकार मदारी के बंदर की तरह अदानी अंबानी के इशारों पर नाचती रहती है। उद्योगपतियों के पैसे से केंद्रों और राज्यों में सत्ता में आती हैं, तो सत्ता में आने के बाद फिर ये पार्टियां तो जिन उद्योगपतियों से पैसा लेकर तो ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, उन्हीं उद्योगपतियों को और मालदार बनाने के लिए, उनको और उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने के लिए वो आप लोगों का ध्यान न देकर, गरीबों का ध्यान न देकर, तो फिर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद तो उद्योगपतियों के हिसाब से उनको फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से फिर ये उनके हिसाब से ही आर्थिक नीति तैयार करती, फिर आप लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए वो आर्थिक नीति तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उद्योगपतियों से पैसा लिया। जिन उद्योगपतियों से पैसा लेकर वो अपनी पार्टी के संगठन को चलाते हैं और इलेक्शन को लड़ते हैं और सत्ता में पहुंचते हैं, तो सत्ता में आने के बाद फिर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको और मालदार बनाने के लिए उनके हिसाब से ये पार्टियां फिर आर्थिक नीति तैयार करती हैं। और नतीजा क्या हो रहा है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। आजादी के बाद इसी कांग्रेस बीजेपी के धन्ना सेठों एवं पूंजीपतियों के आर्थिक नीतियों एवं कानून जो उनको फायदा पहुंचाने वाले थे, ना कि गरीबों, मजदूरों और किसानों का भला करने वाले। इसीलिए इस देश का अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया। यही कारण है कि शायद आज देश में चल रहे किसान आंदोलन की तरफ इस देश की केंद्र सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि ये 3 कृषि कानून अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। भाजपा ने इलेक्शन के समय जो पैसा पानी की तरह बहाया वो इन्हीं की बदौलत है और इसीलिए इतने बड़े विरोध के बाद भी भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हैं अदानी अंबानी के कर्ज तले। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।